Morning students, today we are going to read chapter number 8 and the name is Let's Type in World 2010. Students, as you know that we do many things, many tasks or we play, we see videos, we download videos or we do many number of things on computer. Because computer is that electronic machine which do our work in a very less time. And this consumes, helps us to do our work in appropriate time in a very nice manner. अब हम इसमें पढ़ेंगे chapter number 8 में कि कुछ नया हम क्या कर सकते हैं on computer. Computer are widely used for many different purposes, as you know that. One of the most common use of this computer is to create a new document. नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं. तो इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि हम डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसमें क्या क्या चीजें हम इंसर्ट कर सकते हैं जिससे हमारा डॉक्यूमेंट या हमारा जो फाइल हम तैयार कर रहे हैं वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और बहुत अच्छे ढंग से वो तैयार हो जाए. कौन से डॉक्यूमेंट्स, किस डॉक्यूमेंट्स की बात हम कर रहे हैं? जैसे लेटर्स, रिपोर्ट टाइप करना होगा या फिर किसी तरीके की बुक के पेजेस. हम लोग देखते हैं हमारे बुक में खुद ही सारे पेजेस हैं जो इतने अट्रैक्टिव हैं, जो कि एमएस वर्ड नहीं बने गए. ये टाइप होता है ना बेटा कंप्यूटर पे, तब तो इतना कलरफुल, कभी बड़ा कभी छोटा, कहीं पिक्चर्स, कहीं लेटर्स स्मॉल, कहीं लेटर्स बिग, इस तरीके के है ना. क्या बेटा लेटर्स स्मॉल, लेटर्स कलरफुल, पिक्चर्स बोल्ड लेटर्स, ये सब कैसे हो रहा है? और एमएस वर्ड, ये एमएस वर्ड की वजह से हो रहा है जो कि कंप्यूटर पे हम इंस्टॉल करवाते हैं ये सॉफ्टवेयर. और इस सॉफ्टवेयर को यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं और अट्रैक्टिव बनाते हैं. तो इसमें चलिए पढ़ते हैं कि किस तरीके से, किस चीज को यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को हम एकदम अट्रैक्टिव बनाते हैं. वी यूज ए वर्ड प्रोसेसर. वर्ड प्रोसेसर मतलब वर्ड को ये प्रोसेसिंग करता है, वर्ड में कुछ करेक्शन करता है, कुछ इंसर्ट करता है, कुछ और मॉडिफिकेशन करता है जिससे हमारा वर्ड जो है और खूबसूरत लगता है. वर्ड प्रोसेसर्स वी मेक डॉक्यूमेंट. हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, उसे हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. वी यूज वर्ड प्रोसेसिंग फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स. वी इंसर्ट कलर्स ऑल्सो इन आवर डॉक्यूमेंट. वी कैन एड न्यू वर्ड्स, वी कैन डिलीट द प्रीवियस वर्ड. जो भी फ्रेश टाइप किया अगर मिस्टेक हो गया, वी कैन डिलीट ऑल्सो, वी कैन इंक्लूड अ न्यू वर्ड इन आवर डॉक्यूमेंट. We can copy or move the text. We can save and print the document by using this word processor. तो यहाँ का word processor का use है. Microsoft Word इसे बनाया है, इसे डेवलप किया है Microsoft में, इसलिए इसको बोलते हैं Microsoft Word. अब देखते हैं इसे कैसे आप start करोगे कंप्यूटर में. For starting this Microsoft Word, आपको ये steps follow करने पड़ेंगे. First of all, you have to click on start button. पहले आपको start button पे क्लिक करना है, then all programs, after that Microsoft Office, उसके बाद MS Word 2010 पे क्लिक करना है. ये steps आपको follow करने हैं for starting the Word 2010. जैसे ही आप इस step को follow करते हैं, आपके सामने आपके screen पे ये display हो जाएगा. ये आपके सामने आ जाएगा आपके screen पे. फिर आप इस तरीके से processing करते रहेंगे. After that, आपके सामने ये पूरा बॉक्स आ जाएगा. ये आपका डॉक्यूमेंट का एरिया है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लेटर्स को टाइप करेंगे. कुछ भी आपको टाइप करना है, कुछ भी लेटर्स, रिपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, आप इसे ब्लैंक पेज पे टाइप करेंगे ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, देन इट विल बी क्रिएटेड बाय. ठीक है, आप इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी. जैसे आप सबसे पहले देखेंगे टाइटल बार, सबसे ऊपर जो एक पतला सा पट्टी जा रहा है उसको हम बोलेंगे टाइटल बार, जहां पे आपको थ्री बटन्स दिखेंगे. थ्री बटन्स दिखेंगे, कौन कौन से हैं वो? एक है मिनिमाइज का, मिनिमाइज मतलब आपके स्क्रीन को आप छोटा कर सकते हो. दूसरा है मैक्सिमाइज का, अपने स्क्रीन को आप और जूम कर सकते हो और बड़ा कर सकते हो. उसके बाद एक क्रॉस का साइन आएगा, इसका मतलब है क्लोज, मतलब अगर आप क्रॉस को आप क्लिक करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट को बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा वो आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो आपने प्रिपेयर किया. नेक्स्ट आपका है क्विक एसेस टूल बार. क्विक एसेस टूल बार मतलब ये आपके टाइटल बार में दिया रहता है, व्हिच गिव्स एसेस टू द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ कमांड. आप
कमांड को फ्रीक्वेंटली जल्दी से यूज कर सकते हैं। सिर्फ करना है आप उसका जो बना हुआ बॉक्स अब सेव पे कर सकते हो कि थोड़ा आपका जो है डॉक्यूमेंट को सेव हो जाएगा। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को रीओपन करना है तो आप उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो आइकन नीचे बना है आप उसको प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका आइकन वो पूरा जो आपका प्रोग्राम है डॉक्यूमेंट है खुल जाएगा। उसके बाद अनडू और रीडू का भी ऑप्शन इसमें दिया रहता है, आपको टाइप करने की या सर्च करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपके सामने खुद ही यहाँ पे दिया है जिसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक मतलब बहुत जल्दी से आप उसको ढूंढ लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे जो भी आपको चाहिए। सेव करना है सेव कर लेंगे, या प्रोग्राम को खोलना है, अनडू करना है, रीडू करना है, आप तुरंत ये ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आप अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिबन। रिबन मतलब एक छोटा सा बार दिया है या फिर एक ऐसा टेबल दिया है पतला सा जिसमें बहुत सारे कमांड्स आपको दिखाई देंगे, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट। आपकी बुक में पेज नंबर 94 में सब दिया हुआ है, जो भी आपको मैं बता रही हूँ उसका आपको पिक्चर भी दिया हुआ है आपको बुक में, आप इजीली उसको देख लेंगे कि टूल बार का क्या है, रिबन क्या है, ये सब आप उसको पहचान लेंगे। नेक्स्ट है फाइल टैब। फाइल टैब मतलब ये भी आपके क्या है, बिल्कुल क्विक एक्सेस बार के बीच में पीछे रहता है फाइल बार। ये फाइल टैब में होता है आपका एक फाइल मेनू है, जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं आपकी फाइल का सारा जितना भी करंट डॉक्यूमेंट आप बना रहे थे उसका सारा डिटेल आपके इस फाइल टैब में आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसमें आपको ओपन अपने फाइल को ओपन करने का ऑप्शन आएगा, सेव करने का ऑप्शन आएगा और प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज हम कहाँ देख सकते हैं, फाइल टैब। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट एरिया। अभी मैंने आपको जो ब्लैंक पेज दिखाया था वो आपका डॉक्यूमेंट एरिया है, ये वाइट ब्लैंक यूजर स्पेस है, ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया है। इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हो और कोई भी वर्ड को अगर आप प्रोसेस से करना है या फॉर्मेट करना है, कुछ भी उसका फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है तो आप ऑटोमेटिक इसमें कर सकते हैं। कर्सर। कर्सर क्या होता है बेटा, आप लोगों ने देखा होगा माउस जैसे ही आप ऐसे करते हो मूव करते हैं, कर्सर एरो तरीके का रहता है, जैसे आप मूव करते हो वो भी ऐसे ऐसे मूव करता है स्क्रीन पे, उसी को बोलते हैं कर्सर। एरो टाइप करते हैं जैसे ही आप माउस को इस तरीके से मूव करते हैं या क्लिक करते हैं वो कर्सर आकर के आपके मॉनिटर पे दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटस बार। स्टेटस बार इफ अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द वर्ड विंडोज एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक पेज नंबर, पेजेस नंबर कितने मतलब आपके पेजेस हैं, पेज नंबर कौन से पेज पे आप काम कर रहे हो, फिर नंबर ऑफ पेजेस साथ में दिया जाता है, उसके बाद नंबर ऑफ लाइंस और वर्ड्स भी दिए जाते हैं, कितना लाइन आपने टाइप किया है अभी प्रेजेंट लोकेशन में या प्रेजेंट डॉक्यूमेंट में और कितना आपने वर्ड्स टाइप किया है उसका भी आपको दिया जाता है। ये देखो ये आपके सामने दिया हुआ है ना, वर्ड का पता है कितने पेजेस हैं, कितने पेजेस हैं और कौन से पेज पे आप कर रहे हो और कितने वर्ड्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपने करंट डॉक्यूमेंट्स की मिल जाती है। नेक्स्ट आपका है हाउ टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। ये तो हमने जान लिया कंपोनेंट्स ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स, जो आपने अभी अपने ओपन किया अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको कौन कौन सी नई चीजें दिखाई देंगी आपकी स्क्रीन पे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप न्यू ऑप्शंस को क्लिक करें, फिर आपके सामने बॉक्स खुलता जाएगा और आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आते जाएंगे जिसमें से आपको सिलेक्ट करके ये सारी चीजें क्लिक करनी है। न्यू ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, उसके बाद आपके पास एक और बॉक्स खुलेगा, उसमें से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करें। ब्लैंक डॉक्यूमेंट मतलब एक खाली पेज टाइप का आपको दिखाई देगा, आप उसमें क्लिक करेंगे और क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। आपके सामने एक पेपर आ जाएगा, जैसे आपके पास ब्लैंक पेपर आता है ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपके पास एक ब्लैंक पेपर आएगा जिसमें आप जो मर्जी वो टाइप कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, यही करना है। जैसे ब्लैंक पेपर आएगा आपके पास आप उसमें टाइप करेंगे। टाइप हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग कीबोर्ड। हम कीबोर्ड को यूज करके टाइप करेंगे, जैसे जैसे हम टाइप करते जाते हैं उसके आगे एक ब्लिंक करता है, फर्स्ट आप लोगों ने देखा होगा एक लाइन रहेगा ब्लिंक करेगा, है ना, इसका मतलब है आप लिखते जाओगे वो आगे आगे बढ़ता जाएगा और जैसे ही आपका एक लाइन फिनिश होगा वो कर्सर नीचे आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है हमारा एक लाइन खत्म होता है तो एंटर प्रेस करते तो हमारा कर्सर डायरेक्टली नीचे आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ड रैप। इसको वर्ड रैप बोलते हैं कि हमारा जो कर्सर है हम टाइप कर रहे हैं वो आगे बढ़ता जा रहा है और जैसे फर्स्ट लाइन खत्म हो रहा है वो आगे नीचे उतर जा रहा है या नेक्स्ट लाइन पे आ जा रहा है, इसको बोलते हैं वर्ड रैप। ये अपने से भी हो जाता है, नहीं तो आप उसको एंटर प्रेस करते हो तो वो एंटर करके भी अपना दूसरा लाइन पे आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ यू इंसर्ट न्यू थिंग्स इन आवर डॉक्यूमेंट्स। कैसे आप नए
बैक स्पेस से हटा करके दूसरा चीज टाइप कर देंगे, दूसरा वर्ड टाइप कर देंगे, और जो दूसरा वर्ड आपका आ गया है वो राइट हैंड साइड का चल जाएगा, जिससे आपको स्पेस मिल जाएगा आपके नए वर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, नए वर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इतना मैंने आपको बताया, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। Students, if you feel any kind of doubt or confusion regarding anything in this chapter or in these topics, you can directly contact me through WhatsApp. Thank you.